तो दोस्तों अब हम इस वीडियो का जो है पार्ट थ्री स्टार्ट करेंगे डाइस पासों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो ये हमारा पार्ट थ्री है अब देखो इसमें डाइस क्या होता है आपने अपने घरों में लूडो खेला होगा या किसी को खेलते हुए देखा भी होगा इवन तो कुछ गंदे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम चलने वाला है पढ़ाई करनी चाहिए बैठ के लूडो खेल रहे होंगे ऑनलाइन ठीक है तो गेम हम थोड़ा बंद करो पढ़ाई पे आ जाओ देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या देखा होगा डाइस देखा होगा डाइस पे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं डॉट करके बना होता है मतलब one, two, three, four, five, six. तो ये हमारे आउटकम्स होते हैं किसी भी डाई के उसको हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया है ठीक है तो ये हमारे पास सिक्स आउटकम्स आ सकते हैं जब हम एक डाइस को एक बार फेंकेंगे उन सिक्स में से कोई एक आ सकता है ठीक है तो हमारा पहला कंडीशन ये है कि इफ अ आ इज थ्रोन एट वंस मान लीजिए एक डाई है उसको एक बार में फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है तो वहां पर आ सकता है वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी फोर भी फाइव भी या सिक्स भी आ सकता है तो टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस होता है एस क्या है सैंपल स्पेस तो ये जो सैंपल स्पेस होता है उसमें वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स को एक आ सकता है टोटल आउटकम कितना बनेगा सिक्स फेवरेबल आउटकम तो जो पूछेगा वो बनेगा अब इस केस में क्या होता है देखो यहां पर एक वर्ड आया है डाई और यहां पर एक वर्ड आया है डाइस देखो डाई जो है आपका ये सिंगुलर है क्या है सिंगुलर है इसका मतलब होगा सिंगुलर नाउन ठीक है इसका मतलब होगा एक डाई क्या मतलब होगा एक पासा ठीक है और डाइस जो है वो आपका प्लूरल है क्या है प्लियल एक प्लियल नाउन है इसका मतलब होगा कि बहुत सारे पासे एक से ज्यादा ठीक है तो डाई और डाइस में अंतर समझ में आ गया अब यहां पर दो डाइस है कितने दो एक साथ हम दो डाइस फेंक रहे हैं तो बाबू देखो इसमें क्या होता है कि, आउटकम्स हमारे हो जाते हैं। कि हम दो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा थर्टी सिक्स तो यहाँ पर जब हम दो डाई एक साथ फेंकेंगे तो थर्टी सिक्स आउटकम्स आएंगे चलिए देखते हैं कैसे जैसे मान लीजिए कि पहले पर वन आ जाए और दूसरे पर भी वन आ जाए फिर वन या टू फिर वन टू आ जाए फिर वन थ्री आ जाए फिर वन फोर आ जाए फिर वन फाइव आ जाए और फिर वन सिक्स आ जाए ऐसे करते हुए आप मान लीजिए टू आ जाए टू वन यानी कि पहले डाइस पर टू और दूसरे डाइस पर वन फिर आ जाए टू का मा टू फिर आ जाए टू का मा थ्री फिर आ जाए टू का मा फिर टू का मा फाइव और आ जाए टू का मा इसी प्रकार से मान लीजिए इधर आ जाए थ्री कामा वन यानी कि पहले डाइस पर थ्री और दूसरे डाइस पर वन फिर आ जाए हमारा थ्री कामा टू थ्री कामा थ्री थ्री कामा फोर थ्री कॉमा फाइव और थ्री कॉमा सिक्स फोर में अगर आते हैं तो एक पर फोर और एक पर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स फाइव पर अगर आते हैं तो फाइव वन फाइव 5.4, 5.5 फाइव का मी फाइव का फाइव का माइव और फाइव ठीक है लास्ट जो बचता है वो बचता है सिक्स कामा वन सिक्स का मू सिक्स का मी सिक्स का सिक्स और सिक्स अब प्रश्न कैसे बनता है वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे प्रश्न का तब आप समझ जाओगे लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो जैसे पूछिएगा कि इफ वी टॉस्ड टू डाइ साइमल्टेनियसली देन वाट इज द प्रोबिलिटी ऑफ कमिंग सेम आउटकम्स सेम मतलब हो गया अगर पहले पे वन आ रहा है तो दूसरे पर भी कितना आए वन अगर पहले पे टू आ रहा है तो दूसरे पे भी कितना आए टू है ना इस प्रकार से तो आपको देखना होगा ये हमारा एस है एस मतलब सैंपल स्पेस तो आप देखोगे सर देखो यहाँ पर जो टोटल आउटकम होता है टोटल आउटकम वो आ जाएगा 36 कितने एलिमेंट होंगे 36 तो देखो एक सिमिलर यहां पर आ रहा है एक 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 सिमिलर 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 यहां 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 एक सॉरी ये यहां, यहां, एक... यहां पर है और एक सिमिलर यहां तो इस प्रकार से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिमिलर रिजल्ट कितने आ रहे हैं सिक्स तो अगर हम यहां पर फाइंड करें तो देखो जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल तो आउटकम कितना है थर्टी सिक्स तो इस प्रकार से देखो सिक्स थर्टी सिक्स तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा ये बस एक एग्जाम्पल है जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर देखेंगे ठीक है तो ये हो गए हमारे डाइस के आउटकम आप चाहो तो इन्हें राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो सो फ्रेंड्स अब हम यहां पर क्या देखेंगे अब हम यहाँ पर डाइस से रिलेटेड नुमेरिकल्स देखेंगे ठीक है अब उम्मीद करता हूँ आपने जो मैंने इससे पहले बताया था कुछ बातें कुछ फैक्ट कि डाइस में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं जब एक डाई थ्रो करेंगे जब दो डाई थ्रो करेंगे तो आपने उसको लर्न कर लिया होगा ठीक है नहीं लर्न किया तो भी कोई बात नहीं है अब हम इन नुमेरिकल्स को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा तो आप बिल्कुल शांति से बैठिए इतमान से बैठिए कॉपी पेन लेकर बैठिए लेकिन आखिरी में लिखिएगा ठीक है चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा डाई है जो बिल्कुल फेयर है उसमें कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं है और उसको थ्रो किया जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर अ मल्टीपल ऑफ थ्री एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ थ्री एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री अ नंबर थ्री और फोर ऑड नंबर अ नंबर लेस देन फाइव अ नंबर ग्रेटर देन अ नंबर बिटवीन थ्री एंड सिक्स देखो अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर दो जगह पर आपको डाउट होगा आपको लगेगा कि सर ये लाइन और ये लाइन तो सेम सेम लिखी है नहीं देखिए यहाँ पर और है और यहाँ पर एंड है तो दोनों में डिफरेंस है ठीक है आप चाहो तो ये क्वेश्चन बाद में राइट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना तो सॉल्यूशन करते हैं हम एक तरफ सॉल्यूशन देखो यहां पर थोड़ा बहुत राइट भी करेंगे इन सिंगल थ्रो ऑफ डाई मान लीजिए आप किसी डाई को एक बार फेंकते हो क्या करते हो एक बार फेंकते हो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई वी कैन गेट वी कैन गेट वन ऑफ वन ऑफ द सिक्स अब वो सिक्स क्या है देखिए वो सिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वन ऑफ द सिक्स नंबर्स ठीक है इनमें से कोई एक नंबर हमको किसी एक फेस पर ऑप्टेन हो सकता है ठीक है तो अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है यानी कि यहां से जो हमारा टोटल आउटकम्स बनेगा क्या बनेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो बनेगा सिक्स कितना बनेगा सिक्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना बनेगा सिक्स बनेगा वो हमेशा सिक्स होगा अगर आप एक डाई को थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा कितना बनेगा 6 बनेगा डिनोमिनेटर में नीचे हमेशा कितना लिखेंगे 6. अब पहला क्वेश्चन है एन ईवे नंबर देखो बाबू नंबर क्या होता है ईवेन नंबर वो होता है जो दो का मल्टीपल हो डिवाइड करने पर रिमाइंडर बिल्कुल जीरो आए किसी भी नंबर को अगर हम दो से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए जीरो आए उसे क्या बोलते हैं ईवेन नंबर इवेंट नंबर जैसे कि टू फोर सिक्स एट टेन ईटीसी है ना इस प्रकार के हमारे इवेट नंबर होते हैं तो देखो अगर हम इसमें देखें तो एक ईवेट नंबर तो हमारे पास है तो ये हो गया एक नंबर दो और ये तीन ठीक है हमारे पास इसमें कितने इवेंट नंबर हैं? तीन है अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे फर्स्ट क्या है हमारे पास फोर एन ईवन नंबर ठीक okay. है तो एक इवेंट नंबर के लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा कौन कौन सा देखो या लिख देता हूं मैं या तो दो या तो फोर या फिर सिक्स क्या क्या होगा या या फिर दो या फिर फोर या फिर सिक्स तो इनमें से कोई एक हो सकता है और वो कितना है थ्री देखो कितना है थ्री है कितना है थ्री ठीक है तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम और ये हमारा क्या है टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी आराम से निकल जाएगा कैसे निकलेगा देखो प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम थ्री टोटल आउटकम सिक्स इनको कट कर दीजिए थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो कितना मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा वन बाई टू कितना मिल जाएगा वन बाई टू ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्या हो गया आंसर अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल ऑफ थ्री क्या करेंगे मल्टीपल ऑफ थ्री अ मल्टीपल ऑफ थ्री अ मल्टीपल ऑफ थ्री ठीक है तो यहां पर बताइए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ठीक है अब मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब होता है कि थ्री के टेबल में जो आए तो देखिए थ्री के टेबल में कौन कौन सा आता है एक तो थ्री वन जा थ्री और एक थ्री टू जा सिक्स सिर्फ दो कितने सिर्फ दो तो यहां पर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा टू कितना हो जाएगा टू तब यहां से क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबिबिलिटी पीई इज इक्वल टू टू हो जाएगा हमारा और हो जाएगा टोटल तो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ थ्री कितना हो जाएगा वन बाई थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब क्या होता है जो थ्री के टेबल में आए अच्छा सुनो अभी क्या करना है कि आपको या तो इतना राइट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीन शॉट ले लेना है रिमेंबर ये रखना देखो ये इस पोर्सन की जरूरत हमें पड़ेगी तो आप अपनी कॉपी में लिखे से काम चला लेंगे गला पर इसको याद कर लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा सिक्स नीचे हम हमेशा कितना रखेंगे सिक्स तो कंफ्यूज मत होना सिक्स कहाँ से आया तो इतना राइट डाउन कर लो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें हमसे पूछा गया है एन ईवे नंबर और अ मल्टीपल ऑफ थरे मतलब देखो जब और का केस होता है ना तो इधर वाला पार्ट भी लेंगे और इधर वाला पार्ट भी लेंगे तो इवन नंबर में क्या क्या होता है देखो इवन नंबर में होगा टू फोर सिक्स मल्टीपल थ्री में क्या होगा देखो थ्री और सिक्स जैसे आपके पास टोटल जो सैंपल स्पेस था एक डाई के थ्रो करने पर ठीक है ये एस है ठीक है क्या एस है? तो वो था वन टू थ्री फोर Five, और ठीक? तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इवन नंबर कौन कौन सा है एक तो even number ये है ये ये है, है। मल्टीपल ऑफ थ्री कौन सा है ये ये है है। और तो इस टू फोर सिक्स मल्टीपल ऑफ थ्री कौन सा है ये है थ्री और सिक्स तो इसमें से आप ध्यान कौन से देखो सिक्स यहाँ भी है सिक्स यहाँ भी है तो उसको हमें एक ही बार कंसिडर करना है कितनी बार एक ही बार और के केस में इधर वाले पोर्शन और इधर वाले पोर्सन को एक एक बार शामिल करेंगे कितनी बार एक एक बार लेकिन एंड वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि वो पूरा सेंटेंस होता है अभी जब करेंगे एंड वाला तब पता चलेगा तो यहां से हमारा क्या बनेगा देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल आउट कम्स अब अभी हम कितना आएगा वो बाद में लिखेंगे देखो एक तो ये टू आएगा एक तो ये फोर आएगा एक तो ये सिक्स आएगा एक तो ये थ्री आएगा और एक तो ये सिक्स आएगा इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप ध्यान से देखो ये तो पहले क्रम से नहीं है और दूसरा यहां पर सिक्स दो बार आया है एक यहां पर एक यहां पर ये गलत है एक ही बार लिखना है तो फिर से लिखेंगे इसको क्या करेंगे फिर से एक थ्री आ गया एक फोर आ गया और एक सिक्स आ गया ठीक है यहां पर देखो सिक्स दो बार आया है लेकिन दो बार नहीं लिखना है किस केस में और की केस में ठीक है तो देखो हमने इधर का भी शामिल कर लिया और इधर का भी शामिल कर लिया कोई भी रिपीट नहीं किया हमने इस बात को ध्यान रखना तो अब आप बताइए कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना बना देखिए वन टू थ्री फोर फोर कितना बन गया फोर अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यस yes. तो क्वेश्चन में हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ थ्री उसको लिखने के बाद में लिखेंगे पीई -E. क्या लिखेंगे पीई -E. ये फोर हो जाएगा ऊपर क्योंकि फेवरेबल आउटकम कहां लिखते हैं ऊपर और टोटल आउटकम नीचे तो अब इसको कट सकता है टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स और ये क्या हो जाएगा आंसर ठीक है अब हम फोर्थ लेते हैं क्या लेते हैं फोर्थ फोर्थ में होगा एन इवन नंबर एंड और की जगह पर क्या हो जाएगा एंड आ मल्टीपल ऑफ थ्री देखो जैसे कि हम यहां पर देखते हैं इवन नंबर क्या है इवन नंबर है यहां पर टू फोर सिक्स और मल्टीपल ऑफ थ्री क्या है थ्री सिक्स एंड का मतलब और तो मतलब कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ थ्री भी है तो देखो भैया इसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ थ्री भी है और वो है सिक्स क्या है सिक्स देखो यहां और इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ थ्री हो सिक्स के अलावा तो इन सबको हटा देंगे इन सब की जरूरत नहीं है वो नंबर क्या है वो नंबर है सिक्स तो यहां पर हमारे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम Is equal टू वन और वो क्या है वो है सिक्स सिक्स क्या है सिक्स इवन भी है और थ्री का मल्टीपल भी है अब ध्यान देना यहां पर और बोला था तो हमने इवन वालों को भी लिया और मल्टीपल वालों को भी लिया लेकिन एंड बोला था तो जिस नंबर में ये भी है और ये भी है सिर्फ वही लिया सिर्फ सिक्स लिया तो ये डिफरेंस है यहां पर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे देखो प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि कितना है टोटल नंबर आउटकम जो कि कितना है सिक्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं कटेगा देखिए अब क्वेश्चन नंबर नंबर की तरफ बढ़ेंगे अ थ्री और फोर अब देखो थ्री और फोर है तो दोनों लेंगे थ्री और फोर है तो दोनों लेंगे यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना बनेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना बनेगा टू बनेगा है ना यानी कि तीन भी चाहिए और फोर भी चाहिए और ये दोनों आता है तो पीई कितना हो जाएगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री और फोर तो वो फेवरेबल आउटकम दो टोटल आउटकम सिक्स यानी कि टू अपॉन सिक्स कटेगा टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं अब देखो आप अब हम यहां पर बात करते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की एन ऑड नंबर ठीक है तो देखो जब आप एक डाइस थ्रो करोगे तो आपको वन मिलेगा टू मिलेगा थ्री मिलेगा फोर मिलेगा फाइव मिलेगा सिक्स मिलेगा तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑड नंबर अब ऑड नंबर क्या होते हैं ऑड नंबर वो होते हैं जिनको हम दो से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमें कुछ ना कुछ मिले तो ऑड नंबर क्या होगा वन थ्री फाइव यहां पर देखो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ठीक है फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा थ्री कौन कौन सा देख लो एलिमेंट वन हो जाएगा या फिर थ्री हो जाएगा या फिर फाइव हो जाएगा तो पर प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा पी पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम थ्री टोटल आउटकम सिक्स थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन तो क्वेश्चन नंबर सेवन है फॉर अ नंबर लेस देन फाइव मतलब एक ऐसा नंबर जो पांच से क्या है छोटा तो आप मुझे बताओ जैसे कि ये हमारे पास हो गया क्या डाइस के थ्रू करने का स्पेस One, two, three, four, five, six. तो पांच से छोटे कौन है ये पूरे पांच से छोटे हैं एक दो तीन चार तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा फोर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू फोर कौन कौन सा हो जाएगा वन टू थ्री फोर ठीक है इसको हटा देते हैं जरूरत नहीं है इसका तो आप देखो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा पीई इज इक्वल टू फोर फेवरेबल आउटकम फोर टोटल आउटकम सिक्स टू से डिवाइड हो जाएगा टू टू जा फोर टू थ्री जै सिक्स ये क्या हो जाएगा आंसर चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा एट क्या आ जाएगा एट ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है फॉर आ नंबर ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन थ्री अब देखो अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो देखो तीन से बड़े कौन कौन से नंबर हैं देखो तीन से बड़ा चार होगा पांच होगा छ होगा तो भैया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है थ्री कितना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम थ्री तो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा क्या चीज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम थ्री टोटल आउटकम सिक्स कट जाएगा by आ जाएगा कितना आ जाएगा by आ जाएगा आ तो आप इतना कर लीजिए फिर एक last question बचा हुआ उसको देखते हैं तो आप देखिए अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर अ नंबर बिटवीन थ्री एंड सिक्स देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसमें क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब कह रहे हैं ऐसा नंबर जो तीन और सिक्स के बीच में हो और के बीच में हो, तो हमारा और हमारा इन दोनों के बीच में क्या है? Four and five. क्या है? है? तो पर नंबर आउटकम कितना हो जाएगा? नंबर गेटिंग एन इवेंट नंबर ऑफ गेटिंग एन एलिमेंट्री इवेंट या फिर फेवरेबल आउटकम तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं एलिमेंट्री इवेंट भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है ना एलि इवेंट आप ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू कितना यहां थोड़ा लिख देते हैं फोर या फिर फाइव ठीक है तो यह हो गया हमारा अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे इज इक्वल टू यहां पर कितना है टू फेवरेबल आउटकम और सिक्स है टोटल आउटकम तो टू एन या टू टू थ्री या सिक्स ये हमारा बनेगा इसका क्या आंसर तो ये हो गए हमारे कुछ सिंगल डाई से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो गए सिंगल डाई से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप चाहो तो इन्हें राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो अगर वीडियो पसंद आ रहा है या मजा आ रहा है तो भाई लाइक शेयर करते रहो तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए तो अब जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देखो यहां पर क्या है कि हमें दो डाइस को एक साथ फेंकना है और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका फर्स्ट है एन इवेन नंबर एज एज द द सम सम सेकंड है अ प्राइम नंबर थर्ड है अ टोटल नंबर एट फिफ्थ है अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर सेम नंबर मल्टीपल है ठीक है this this. So, मैंने एक साथ लिख दिया है आप चाहो तो पहले इन क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आगे सोल्व करता हूँ अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे एन इवेन नंबर एज द सम सोल्यूशन द एलिमेंटरी इवेंट आफ्टर थ्रोइंग टू डाइस वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर वन फाइव और वन सिक्स इसका मतलब यह है कि जैसे आपने दो डाइस फेंका होगा तो है ना तो यह आपका डाइस वन है क्या है यह आपका डाइस वन है और यह डाइस टू है ठीक है तो मान लीजिए वन डाइस पर वन आ गया और दूसरे डाइस पर टू आ गया तो वन 1.2, वन वन 1.5, टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स या फिर टू कामा वन टू कामा टू टू कामा थ्री टू कामा फोर टू कामा फाइव टू कामा सिक्स या फिर थ्री कामा वन थ्री कामा टू थ्री कामा थ्री थ्री कामा फोर थ्री कामा फाइव थ्री कामा सिक्स या फिर फोर कामा वन फोर कामा टू फोर कामा थ्री फोर कामा फोर फोर कामा फाइव या फिर फोर कॉमा सिक्स ठीक है अब अगर फाइव लेंगे मान लीजिए इस पर फाइव आ रहा है तो फाइव कॉमा वन फाइव कॉमा टू फाइव थ्री फाइव कॉमा फोर फाइव कॉमा सिक्स सॉरी यहां पर फाइव होगा फाइव 5.6 फाइव फाइव कॉमा सिक्स इसी प्रकार से सिक्स वाला होगा सिक्स कॉमा वन सिक्स कॉमा टू सिक्स कॉमा थ्री सिक्स कॉमा फोर 6, और 6, 6. तो ये टोटल हमारे पास जो है थर्टी सिक्स जो एलिमेंट्री इवेंट होंगे वो मिलेंगे कितने थर्टी सिक्स तो अब ये 36 थर्टी सिक्स क्या हो गया एलिमेंट्री इवेंट हो गए इनमें हमको ये देखना है कि इवेन नंबर मिले कब सम करने पर देखो सम का मतलब होता है एडिशन क्या होता है सम का मतलब होता है एडिशन मतलब कि दोनों डाइस के नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिले इवन नंबर मिले तो एक बार देखो एक बार हमको यहां पर इवन नंबर मिल रहा है अगर हम वन प्लस वन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा वन प्लस वन टू आ जाएगा टू एक इवन नंबर है तो ये हमारा सम आ जाएगा इवन नंबर में अगर हम वन प्लस टू एड करेंगे तो थ्री आ जाएगा इवन नंबर नहीं है उसको नहीं लेंगे वन प्लस थ्री एड करेंगे फोर हो जाएगा ये इवन नंबर है वन प्लस फोर हो जाएगा तो ये ऑड हो जाएगा इसको नहीं लेंगे वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा तो इसको ले लेंगे इनका सम कितना आ जाएगा इनका सम ईवन नंबर आ जाएगा तो हमें दोनों को ऐड करना है जो ईवेन नंबर आ रहा है उसको कंसिडर करना है वन प्लस सिक्स सेवन हो जाएगा तो ये ऑड हो जाएगा देखिए टू प्लस वन थ्री हो जाएगा ये भी ऑड हो जाएगा ये होगा ये नहीं होगा ये होगा है ना ये देखो टू प्लस फाइव सेवन हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा ये होगा आपको वो देखना है कि दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाए ईवन आ जाए ये होगा एक करके मैं दिखा देता हूं जैसे थ्री आया है और वन आया है थ्री वन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फोर फोर एक ईवन नंबर है क्या है फोर एक ईवन नंबर है तो इसको कंसिडर करेंगे ठीक है तो जिनको जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर अगर इवन आ रहा है तो वो आपका होगा फेवरेबल आउटकम है अब थ्री प्लस टू फाइव ये ऑड हो जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स ये इवन हो जाएगा ये भी आपका इवन हो जाएगा ठीक है फिर यहां पर देखो ये इवन हो जाएगा फिर ये इवन हो जाएगा और फिर ये इवन हो जाएगा ये देखो ये इवन हो जाएगा फिर 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 ये 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 इवन 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 हो 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 जाएगा हो जाएगा हो जाएगा फिर जाएगा ठीक है आपका आपका और फिर आपका ये इवन हो जाएगा तो आपने यहां आप पर नोटिस किया है अगर ऑड के साथ ऑड को ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट इवन आ रहा है ठीक है तो जो ऑड ऑड वाले होंगे वो इवन में आ जाएंगे और जो इवन इवन वाले होंगे वो आ जाएंगे तो आप देखते हैं कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हुए या फिर कितने ऐसे एलिमेंट्री इवेंट जो फेवरेबल हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 18 ऐसे हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हैं। क्या है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो आप यहाँ से इतना ध्यान रख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने हो जाएंगे तो ये टोटल जो होगा टोटल 36 होगा और ये सबके लिए होगा जितने भी क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे हैं उन सबके लिए टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा 36 अब हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट दैट आर फेवरेबल फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ये हो जाएगा 18, इज इक्वल टू 18. तो यहां पर क्या हो गया तो यहां पर क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 36. Favorable number of elementary events कितना हो गया 18. अब probability का क्या होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ठीक है इसको मतलब हम एक शॉर्ट में भी कह सकते हैं थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ठीक है तो अब इधर देखेंगे द प्रोबिलिटी फ गेटिंग एंड इवेंट नंबर एज द सम इज इक्वल टू देखिए अब या तो हम पूरा लिखें फार्मूला फार्मूला लिखें पूरा फार्मूला क्या होता है देखो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट्स एलिमेंटरी इवेंट्स अपान टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स

टू कितना आ जाएगा वन बाई टू तो आपके लिए मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं जैसे ये चीज मैं बार बार नहीं लिखूंगा आपके सामने ये पहले से लिखा रहेगा ठीक है ये भी चीज पहले से लिखा रहेगा और ये फार्मूला आपको याद रखना ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा ठीक है तो अभी आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन तो कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें तो अब हम यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है है द सम एज अ प्राइम नंबर ठीक मतलब हम जो दोनों हमारे डाइस होंगे उन पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनको जब सम करें ऐड करें तो कितना मिले मिले प्राइम नंबर सबसे पहले यहाँ से आपको दो चीज जाननी है एक तो सम का मतलब क्या होता है एडिशन तो जो सम बोला है मतलब जोड़ना है और दूसरा प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो दैट आर डिविजिबल बाई वन आर इट सेल्फ तो वो कौन कौन से होते हैं जैसे टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सोवान ये सभी क्या होते हैं एक प्राइम नंबर होते हैं तो अब हमें यहाँ पर दो फेस लेना है और देखना है कि इनमें से उसका सम कितना आ रहा है ठीक है बाकी ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप एक बार ऊपर लिख चुके हैं ये भी आपको नहीं लिखना है इनमें से मतलब इधर वाला कोई भी आपको नहीं लिखना है ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है तो अब देखते हैं यहाँ पर ऐसे कौन कौन से मतलब डाइस है एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिनका सम प्राइम नंबर बनेगा। फिर वन प्लस फाइव तो सिक्स तो ये, प्लस करेंगे तो हो जाएगा, ये नहीं है वन प्लस सिक्स सेवन तो ये भी प्राइम नंबर है टू प्लस वन थ्री ये भी प्राइम नंबर है यह नहीं है क्योंकि टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा टू प्लस थ्री फाइव ये भी प्राइम नंबर है टू प्लस फोर सिक्स प्राइम नंबर नहीं है ये है ठीक है टू प्लस सिक्स एट तो ये प्राइम नंबर नहीं है ये भी नहीं है ये है थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव और फाइव एक प्राइम नंबर होता है थ्री का सम करेंगे थ्री में तो सिक्स हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं है थ्री प्लस फोर ये सेवन हो जाएगा ये है ये देखो थ्री प्लस फाइव एट एट प्राइम नंबर नहीं होता है थ्री प्लस सिक्स Nine, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा ये प्राइम नंबर होगा क्योंकि इनका सम कितना आएगा फाइव आएगा सब मतलब जोड़ना तो फोर प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव फोर प्लस थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा सेवन ये भी प्राइम नंबर है बाकी ये एट ये नाइन और ये टेन ये प्राइम नंबर नहीं होंगे ये भी नहीं होगा ये सेवन होगा तो ये हो जाएगा फाइव प्लस थ्री एट फाइव प्लस फोर नाइन और फाइव प्लस फाइव टेन फाइव प्लस सिक्स इलेवन इलेवन एक प्राइम नंबर होता है देखो यहाँ से अगर हम फाइव प्लस सिक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा इलेवन आ जाएगा और इलेवन आपका एक प्राइम नंबर है तो ये होता है ठीक फिर यहाँ पर सिक्स प्लस वन सेवन सेवन भी एक प्राइम नंबर होता है फिर यहाँ पर सिक्स प्लस टू एट एट प्राइम नंबर नहीं होता है सिक्स प्लस थ्री नाइन भी प्राइम नंबर नहीं होता है सिक्स प्लस फोर टेन भी नहीं होता है ये होगा तो इतने ऐसे एलिमेंट्री इवेंट्स थे जिनके जो डाइस हैं, उन पर आने वाले दोनों नंबरों को ऐड किया तो क्या मिला हमको प्राइम नंबर्स मिला, और वो कितने हैं काउंट कर लेते हैं? देखिए ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं? दैट आर फेवरेबल फिफ्टीन ठीक है कितने फिफ्टीन तो यहां पर लिखेंगे क्या फिर तो यहां पर राइट करेंगे Favourable. नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू फिफ्टीन तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं फिफ्टीन प्रोबेबिलिटी क्या होता है देखिए पी पीई इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूले में बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग

फिफ्टीन थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स अब ये और छोटा नहीं हो सकता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रॉबिलिटी फाइव अपॉइंट ट्वेल्व तो इसको आप राइट डाउन कर लो अच्छा ये आपको नहीं लिखना है ये चीज आपको नहीं लिखना है ठीक है अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे टोटल ऑफ एट लीस्ट टेन मतलब यहाँ पर क्या है कि हम दोनों के नंबरों को एड करें तो कम से कम टेन आए या फिर उससे ज्यादा आए अगर उससे कम आएगा तो नहीं लेंगे मतलब टेन इलेवन आएगा तो उसको लेंगे और उससे कम वाले को नहीं लेंगे अब शुरुआत करें अगर हम यहाँ से तो फोर प्लस फाइव कितना होगा नाइन ये कम है फोर प्लस सिक्स कितना है टेन तो इसको लेंगे पहले तो ठीक फिर देखो फाइव प्लस फोर कितना है नाइन ये कम है फाइव प्लस फाइव कितना है टेन तो इसको लेंगे फिर फाइव प्लस सिक्स इलेवन होगा तो इसको भी ले लेंगे फिर 6 प्लस 4, 10 हो जाएगा इसको भी ले लेंगे तो टोटल हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स केसेज ऐसे बनेंगे जिनमें जो टोटल आएगा वो एटलीस्ट टेन आएगा तो यहां से हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा सिक्स तो यहां पर लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू सिक्स ठीक है फार्मूला क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है मैं क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा देखो पीई ई यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ टोटल ऑफ एट लीस्ट टेन इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट अपान टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट्स, ठीक है तो ये आपको बार बार नहीं लिखना है क्योंकि एक बार आप शुरुआत में लिख चुके हैं और ये इतना बड़ा भी है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे पीई ठीक अब सबसे पहले क्या होगा फेवरेबल वाला तो फेवरेबल कितना है सिक्स और टोटल कितना है आपका थर्टी सिक्स देखो टोटल यहां पर है ठीक है तो अब इसको कट कर देंगे सिक्स बन जा सिक्स और सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अब हम थर्ड के बाद जो फोर्थ है उसको भी कर लेते हैं यहां पर तो जो फोर्थ नंबर हमारे पास है इसमें हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है डबलेट क्या होता है डबलेट ऐसा है जो दोनों फेसों पर सेम सेम नंबर आए क्या चीज डबलेट क्या है दोनों फेस पर सेम सेम नंबर आए तो ध्यान से देखना देखो यहां भी सेम सेम नंबर है फिर आपका यहां भी सेम सेम नंबर है फिर आपका यहां भी सेम सेम नंबर है लेकिन उसमें भी हमको कौन सा लेना है हमको इवन वाला लेना है तो भैया देखो ये जो वन वन है ना ये ऑड है तो ये नहीं लेंगे ठीक है तो लेंगे फिर कौन कौन सा वो देख लो देखो एक तो हम ये ले, ले लेंगे देखो टू टू है और इवन इवन भी है फिर हम एक ले, ले लेंगे फोर फोर ये फोर फोर इवन इवन भी है और डबलेट भी है और फिर एक बार फिर से हम इसको ले लेंगे ये सिक्स सिक्स वाला ठीक है तो क्या है ये डबलेट भी है और इवन नंबर भी है तो यहां पर हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वन टू थ्री कितना हो जाएगा वन टू थ्री तो यहां पर हम थोड़ा सा राइट कर लेते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितना हो जाएगा थ्री ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कौन कौन सा वो आपको लिखना नहीं है टू कामा टू फोर कॉमा फोर और सिक्स कामा सिक्स ये आपके क्या हो जाएंगे ये आपके डबलेट हो जाएंगे जो इवन होंगे ठीक है ऑड में वन वन आएगा थ्री थ्री आएगा और फाइव फाइव आएगा तो ऑड हमसे पूछा नहीं है हमसे क्या पूछा है इवन पूछा है अब यहां से प्रोबेबिलिटी कितना होगा ठीक है तो प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करेंगे पी इज इक्वल ऊपर होता फेवरेबल तो फेवरेबल कितना है थ्री और नीचे होता है टोटल टोटल कितना है थर्टी सिक्स थ्री से कट कर देंगे थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा कितना आ जाएगा वन बाई ट्वेल्व इसको मैं हटा देता हूं उसकी जरूरत नहीं है तो पहले तो आप जो है इतना राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीन ले लीजिए इसको आपको जो है राइट नहीं करना है ठीक है क्योंकि वो रफ वर्क है तो अब जो है अपने हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन द अदर मतलब एक डाइस पर दो का मल्टीपल हो और एक डाइस पर थ्री का मल्टीपल हो वो आगे पीछे हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे देखो अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो दो का मल्टीपल हो ठीक है जैसे ये सभी क्या है ये सभी वन 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 है तो इसमें नहीं होगा आपका इसमें देखो टू का मल्टीपल है लेकिन थ्री का मल्टीपल नहीं है इसमें देखो टू का मल्टीपल भी है और थ्री का मल्टीपल भी है टू वन या टू थ्री वन थ्री इसमें देखो फोर जो है वो थ्री का मल्टीपल नहीं है तब ये नहीं होगा ये होगा टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो थ्री का मल्टीपल है और टू का है तो ये भी हो जाएगा इसमें देखो थ्री का भी मल्टीपल है और टू का भी है थ्री वन जा थ्री टू टू जा फोर तो ये भी हो जाएगा इसमें देखो थ्री का मल्टीपल है और टू का मल्टीपल है ये भी हो जाएगा अब इसमें देखो टू का मल्टीपल और थ्री का है तब ये भी हो जाएगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये भी हो जाएगा ठीक अब इसमें देखो फाइव है तो फाइव थ्री या टू का नहीं होता है तब इसको नहीं लेंगे इसमें देखो टू का भी है और थ्री का भी है और ये भी टू का भी है थ्री का भी है ये भी है टू का थ्री का और ये भी है टू का थ्री का तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल कितने हमारे फेवरेबल आउटकम हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टोटल हमारे पास ऐसे आउटकम्स हैं जो जिस पर एक टू का भी मल्टीपल है और एक थ्री का भी मल्टीपल है ठीक है तब इसको राइट करेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट Is equal to 11. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट तो आपको मिल जाएगा थर्टी सिक्स ठीक है ये आपको याद रखना है बार बार लिखने का आवश्यकता नहीं है और प्रोबिबिलिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पीई इज इक्वल टू ऊपर क्या है फेवरेबल तो फेवरेबल है हमारे पास इलेवन और नीचे क्या है टोटल टोटल है हमारे पास थर्टी सिक्स अब ये कटेंगे नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा प्रॉबिबिलिटी प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ टू ऑन डाइस एंड आ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन द अदर डाइस इज इक्वल टू इलेवन बाई थर्टी सिक्स तो ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया अब हम पढ़ेंगे सिक्स की तरफ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस अब सेम नंबर ऑन द बोथ साइड का मतलब होता है डबलेट इसे हम डबलेट के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो डबलेट का मतलब होता है कि पहली डाइस पे जो नंबर है वही नंबर दूसरी डाइस पर हो ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से नंबर हैं तो देखो एक तो ये और ये सेम सेम है ये डबलेट बनेगा बाकी और कहीं नहीं बनेगा एक तो ये सेम सेम है ये डबलेट बनेगा एक तो ये सेम सेम है ये डबलेट बनेगा ये भी सेम सेम है ये डबलेट बनेगा ये भी सेम सेम है ये डबलेट बनेगा और ये भी सेम सेम है ये डबलेट बनेगा सेम नंबर है आप देखो यहां पर हमसे क्या बोला है हमसे बोला ऐसे नंबर जिनकी दोनों डाइस पर सेम सेम नंबर है डबलेट है तो ये कैसे हो जाएंगे सिक्स क्या हो जाएंगे सिक्स तो यहां पर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना बनेगा सिक्स तो उसको लिख लेते हैं यहां पर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स Is equal to 6. Total number तो आपके पास है ही थर्टी सिक्स और ये प्रोबिलिटी का फॉर्मूला तो इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे कितना है सिक्स और नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स अब ये कट सकता है तो कितना आ जाएगा वन अपॉन सिक्स आ जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा आंसर मीन्स द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस इज वन अपॉन सिक्स कितना जाएगा वन तो सिक्स आप राइट डाउन कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अब हम जो है अपना next question करते हैं, में हमसे है सम का मतलब होता है एडिशन मतलब दोनों नंबर को जोड़ें। अगर वो तीन का मल्टीपल आ रहा है तो वो हम उसको कंसिडर करेंगे फेवरेबल आउटकम में अब देखो सबसे पहली बात यह है कि मल्टीपल ऑफ थ्री क्या होता है मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब होता है जो थ्री के टेबल में आए थ्री आएगा थ्री 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 टू जै सिक्स थ्री थ्री नाइन थ्री फोर ट्वेल्व करके ऐसे आगे बढ़ता रहेगा अब हमें ऐसे नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करने पर थ्री आए सिक्स आए नाइन आए ट्वेल्व आए तो पहले तो वन प्लस वन टू होगा वो नहीं लेंगे वन प्लस टू लेंगे ये थ्री हो जाएगा वन प्लस थ्री फोर वन प्लस फोर फाइव ये नहीं होगा ये होगा वन प्लस फाइव कितना सिक्स फिर ये भी होगा टू प्लस वन थ्री ये हो जाएगा टू प्लस फोर सिक्स फिर अपना जो है ये हो जाएगा ठीक फिर ये भी हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स नाइन फिर ये भी हो जाएगा ये लेंगे ये भी ले लेंगे ठीक है ये भी आ जाएगा फिर ये आ जाएगा फिर ये आ जाएगा ठीक है तो अभी कितने हो गए अपने पास वन जो ब्लैक कलर वाले हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो लगभग आपके पास ट्वेल्व ऐसे एलिमेंट्री इवेंट हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं कैसे फेवरेबल हैं जिनको सम करने पर थ्री का मल्टीपल हमें मिल सकता है तो हम यहां पर राइट करेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू ट्वेल्व कितने मिलेंगे हमको ट्वेल्व मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है ये आप देख रहे हो थर्टी सिक्स है और ये इसका क्या है फार्मूला है तो हम डायरेक्ट इस पर रख देंगे तो हमें मिलेगा पीई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ट्वेल्व और टोटल आउटकम थर्टी सिक्स तो ट्वेल्व जा 12, 12 जा तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ थ्री एज द सम इज इक्वल टू वन बाय थ्री तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया अब देखो यहां से मैं डाइस वाला क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं अब इसके बाद हम लोग जो है कार्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे ठीक है और बाकी जो इससे ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर देना मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके उसको डिस्कस कर लूंगा ठीक है तो अभी हमने डाइस के क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश कर दिए अब हम किसके देखेंगे कार्ड वाला टॉपिक देखेंगे ठीक है तो आप इसको राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन ले लो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है ना ठीक है